दोस्तों आपका हमारे चैनल डोर ऑफ नेट जीआरएफ में स्वागत है। दोस्तों अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, क्योंकि यूजीसी नेट जीआरएफ और कॉमर्स के जितने भी एग्जामिनेशन होते हैं उसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट ये चैनल आपके लिए हो सकता है। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं रीजनल ट्रेड यूनियन के बारे में कि आखिर ये क्या होती है। दरअसल दोस्तों पूरी दुनिया में ही रीजन के हिसाब से, क्षेत्र के हिसाब से अलग अलग देशों ने ग्रुप ने अपने अपने एरिया के हिसाब से अपने यूनियंस बना करके रखे हैं ताकि वो ट्रेडिंग में एक दूसरे को मदद कर सकें। दोस्तों अगर हम यहाँ पर देखें तो मेनली चार यूनियंस की बात करने वाले हैं, जहाँ पर कि पहला आपका यूनियन जो कि सबसे बड़ा कहलाता है, जो कि यूएसए, कनाडा और मैक्सिको ने बनाया हुआ है। दूसरा जो यूनियन की बात करने वाले दोस्तों वो बात होगी जो यूरोपियन कंट्रीज़ हैं उन्होंने बना करके रखा है, ईयू। और तीसरा जो हम बात करने वाले हैं दोस्तों वो है सार्क, जिसमें कि भारत भी आता है। और आखिर में हम बात करेंगे दोस्तों एशियन ग्रुप की, जिसमें कि साउथ ईस्ट एशियन जो कंट्रीज़ हैं उन्होंने अपना एक रीजन यूनियन बना करके रखा हुआ है। दोस्तों अब हम चलते हैं ये ऑर्गेनाइजेशंस कब कब बने थे इसके बारे में हम बात कर लेते हैं। दोस्तों इसको याद करने के लिए बहुत ही बढ़िया ट्रिक ये है कि जो सबसे बड़ा यूनियन है नाफ्ता वो सबसे आखिर में बना था, और जो सबसे छोटा यूनियन है वो सबसे पहले बना था, और इसी सीक्वेंस में इनके ईयर्स हैं दोस्तों। तो एशियन बना था 1967 में, सार्क बना था 1985 में, यूरोपियन बना था 1993 में, और नाफ्ता बना था 1994 में। इसके बाद हम डेट की बात करें दोस्तों तो जो एशिया के दोनों ग्रुप हैं एशियन और सार्क, ये दोनों ही एशिया में सिचुएटेड हैं, तो ये दोनों बने थे, तारीख बताऊं तो 8-8 तारीख को बने थे, और यूरोपियन और नाफ्ता जो हैं वो 1-1 तारीख को बने थे। तो इस प्रकार से आप डेट भी ध्यान रख सकते हैं। अब हम मंथ की बात कर लेते हैं दोस्तों, तो ये जो यूनियन हैं ये वाले, ये सिक्वेंस वाइज आप देखेंगे कहीं ना कहीं हैं नवम्बर, दिसंबर और जनवरी में, और जो एशियन ग्रुप है दोस्तों वो बना था अगस्त में, तो ये अलग ही हो गए, और ये तीनों कहीं ना कहीं नवंबर, दिसंबर, जनवरी सीक्वेंस में हैं। तो इस कॉन्सेप्ट के आधार पर इनके जो ईयर हैं, बर्थ ईयर, बर्थ मंथ और बर्थ डेट जो है वो आप याद कर सकते हैं। दोस्तों अब हम चलते हैं सबसे पहले यूरोपियन यूनियन के पास, जिसका कि आप फ्लैग देख सकते हैं, एक ब्लू कलर का फ्लैग होता है जिसके अंदर की 12 स्टार बने होते हैं दोस्तों। अब हम बात करें दोस्तों कि यूरोपियन यूनियन की बात करें तो इसमें 27 कंट्रीज़ हैं दोस्तों, और इस यूनियन का गठन जो हुआ था वो ट्रीटी ऑफ मास्ट्रिच, ये संधि हुई थी जो कि एक जगह का नाम है, नीदरलैंड में ये जगह है, इसमें हस्ताक्षर करने के बाद ये यूनियन बना था। हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं कि ये 1993 में ये यूनियन बना था। इसके हम गोल की बात कर लेते हैं दोस्तों, तो इसका गोल ये है कि शांति के लिए, पीस के लिए, अपने लोगों के लिए वेलबींग, उनका लिविंग स्टैंडर्ड को अपग्रेड करने के लिए, उनको आज़ादी देने के लिए, उनको सुरक्षा देने के लिए, उनको न्याय देने के लिए बनाया गया है। साथ ही साथ ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए बनाया गया है, और इक्वालिटी को बढ़ावा देना है, सामाजिक न्याय को इनको बढ़ावा देना है, और इनको ह्यूमन राइट्स की सुरक्षा भी करनी है। साथ ही साथ इस यूनियन ने इकोनॉमिक कोऑपरेशन भी किया हुआ है और अर्थव्यवस्था को बढ़ाना है, और इन्होंने अपनी एक ही करेंसी डिसाइड करके रखी है जिसे कि हम यूरो नाम से जानते हैं। दोस्तों यूरोपियन यूनियन केवल अपने लिए ही नहीं बल्कि कि पूरे प्लानेट के लिए भी सोचता है, और पूरे प्लानेट के लिए सस्टेनेबल डेवलपमेंट, पीस, सिक्योरिटी की बात करता है। इसके इन्वायरमेंटल कंसर्न भी जो हैं वो पूरे कंप्लीट प्लानेट को लेकर के हैं। दोस्तों यूरोपियन यूनियन ने अपने लिए कमेटीज़ बना करके रखी हैं, जिसमें कि तीन मुख्य कमेटी हैं, यूरोपियन कोल एंड स्टील कम्युनिटी। दोस्तों ये जो कम्युनिटी है वह यूरोप यूनियन में कोल एंड स्टील इंडस्ट्री को ऑर्गेनाइज करके रखता है, उसको मैनेज करता है। ये दोस्तों बनी थी वर्ल्ड वॉर सेकेंड के बाद इस कम्युनिटी को बनाया गया था। अब आपके मन में कन्फ्यूज़न आ सकता है कि यूरोपियन यूनियन जो बना है वो 1993 में बना हुआ है, और ये जो कम्युनिटी है वो वर्ल्ड वॉर सेकेंड में बन गई, इसे कैसे पॉसिबल हुआ। दोस्तों दरअसल यूरोपियन यूनियन जो है यह है 1993 में ज़रूर बना है, परंतु इसको बनने की शुरुआत वर्ल्ड वॉर सेकेंड के बाद हो चुकी थी, और स्टेप बाई स्टेप आखिर में जा कर के इसने यूरोपियन यूनियन का रूप लिया 1993 में। दोस्तों
सेकेंड हम बात करेंगे यूरोपियन इकोनॉमिक कम्युनिटी, EEC हम इसे कहेंगे। यह कम्युनिटी जो है वहाँ की अर्थव्यवस्था पर फोकस करती है। तीसरी है यूरोपियन एटॉमिक एनर्जी कम्युनिटी, जैसे कि EAEC या फिर यूरोटोम भी कहा जाता है। इसका गठन 1958 में हुआ था और एटॉमिक एनर्जी को पीसफुली यूज़ करने के लिए इस कम्युनिटी को बनाया गया था। अब दोस्तों हम बात करेंगे एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन का, जैसे कि हम एशियन ग्रुप भी कहते हैं। आप मैप में वो कंट्रीज़ देख सकते हैं जो कि इसकी मेंबर हैं। साथ ही साथ हम इसके लोगों की बात भी करेंगे। दोस्तों आप इसके लोगों को अगर देखेंगे तो आपको वहाँ पर कुछ देखने को मिलेगा कि ये जो येलो पट्टियाँ हैं ये 10 पट्टियाँ हैं, और दरअसल यही उसके देश को रिप्रेजेंट करती हैं कि कितने इसके मेंबर हैं। बीच में आप देखेंगे दोस्तों तो आपको ये एक गट्ठे सा जो कि बंधा हुआ है ये आपको नज़र आएगा। ये उनकी एकता को दर्शाता है कि हम एक साथ बंधे हुए हैं, जुड़े हुए हैं। दोस्तों अब हम इसके मेंबर की बात कर लेते हैं कि इसमें कौन कौन से मेंबर आते हैं। तो इसके मेंबर में हम देखेंगे दोस्तों, सबसे पहले जिन्होंने कि एशियन को बनाया था उसमें है मलेशिया, इंडोनेशिया, सिंगापुर, फिलीपींस और थाईलैंड। ये देश आते हैं। इनको याद करने के लिए दोस्तों मैं आपको एक ट्रिक दे देता हूँ। आप याद करेंगे मिस पीटी को। M फॉर मलेशिया, I फॉर इंडोनेशिया, S फॉर सिंगापुर, P फॉर फिलीपींस और T फॉर थाईलैंड। तो आप मिस पीटी को ध्यान रखिएगा, इन्होंने इसको बनाया था। फिर बाद में जाकर के और भी देश इसके साथ जुड़ गए थे। तो आप देख सकते हैं कौन कौन से देश जुड़े थे यहाँ पर। एक है ब्रुनेई दारुसलैम, म्यांमार, वियतनाम, लाओस और कंबोडिया। तो मैं यहाँ पर एक ट्रिक देता हूँ आपको कि बाद में VLC, तो मिस पीटी ने इसकी शुरुआत की थी और बाद में। यहाँ पर आप देख सकते हैं बी फॉर ब्रुनेई, डी फॉर दारुसलैम। तो ब्रुनेई दारुसलैम, एम फॉर म्यांमार, वी फॉर वियतनाम, एल फॉर लाओस और सी फॉर कंबोडिया। तो आप इस प्रकार से इसकी ट्रिक्स को याद कर सकते हैं, मिस पीटी और बाद में BLC। दोस्तों अगर अपन इसके ऑब्जेक्टिव की बात करें एशियन ग्रुप की, तो इनका ऑब्जेक्टिव ये है कि इकोनॉमिक ग्रोथ को इनको एक्सेलरेट करना है, उसको बढ़ावा देना है, सोशल प्रोग्रेस को बढ़ाना है और कल्चर डेवलपमेंट भी करना है रीजन में। साथ ही साथ ये रीजनल पीस चाहते हैं, शांति चाहते हैं और साथ ही साथ स्टेबिलिटी चाहते हैं अपने रीजन में। कोऑपरेटिव पीस एंड शेयर्ड प्रॉस्पेरिटी शॉल बी द फंडामेंटल गोल। तो इन्होंने अत्यधिक शांति पर फोकस किया हुआ है। अगर हम फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ द एशियन की बात करें दोस्तों, तो इन्होंने कुछ अपने लिए प्रिंसिपल भी बना करके रखे हुए हैं कि एक दूसरे की आज़ादी का म्यूचुअल रेस्पेक्ट करना है, सॉवरेनिटी का, संप्रभुता का और समानता का भी इनको सम्मान करना है। साथ ही साथ दोस्तों इनका जो एग्जिस्टेंस है, नेशनल एग्जिस्टेंस है, वो ग्रुप बनने के बाद ख़त्म नहीं होगा, वो इंडिविजुअली बने रहेंगे। ये अपने आंतरिक मामलों में एक दूसरे के हस्तक्षेप नहीं करेंगे और जो भी डिस्प्यूट होंगे उनको शांतिपूर्ण तरीके से हल करेंगे। साथ ही साथ ये एक दूसरे के खिलाफ किसी भी शक्ति का उपयोग नहीं करेंगे, रिनंशिएशन ऑफ द थ्रेट और यूज़ ऑफ द फोर्स। तो ये इसके फंडामेंटल प्रिंसिपल्स थे। अब दोस्तों हम बात करेंगे सार्क की, साउथ एशियन एसोसिएशन ऑफ रीजनल कॉरपोरेशन। आप मैप में देख सकते हैं दोस्तों कि इसमें कौन कौन सी कंट्रीज़ हैं यहाँ पर। तो देखिए आपको दिख रहा होगा, आप इस मैप को तो बहुत अच्छे जानते ही होंगे कि इसमें कौन कौन से देश आते हैं। टोटल दोस्तों इसमें 8 देश जुड़े हुए हैं, जो कि अफ़गानिस्तान जो है बाद में 2007 में इसमें ऐड हुआ था। तो मेंबर हो जाते हैं अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान, इंडिया, श्रीलंका, यहाँ पर एक देश मालदीव है वो, नेपाल, भूटान और बांग्लादेश। तो टोटल ये 8 देश हो जाते हैं। और ये है सार्क का लोगो। तो लोगो में भी एक हिंट छुपा हुआ है दोस्तों कि अगर आप इसको देखेंगे तो ये आपको हाथ जैसा नज़र आएगा, जो इनकी एकता को बताते हैं कि हम जुड़े हुए हैं। साथ ही साथ आप देखेंगे तो दोस्तों यहाँ पर आपको कबूतर जो हैं, सफ़ेद कबूतर जो होते हैं जो कि शांति के प्रतीक होते हैं, वो यहाँ पर साथ हैं। क्योंकि जब कंट्रीज़ बनी थी बिगिनिंग में तो साथ ही देश थे, फिर बाद में अफ़गानिस्तान जुड़ा है। तो ये साथ हैं जो कि शांति के प्रतीक को दर्शाते हैं, और ये दो आपको हाथ दिखेंगे तो कहीं ना कहीं इसका मतलब यह है कि हम साथ हैं और हमें शांति के लिए काम करना है। अगर दोस्तों हम इसके देश की बात करें, इसको याद करने के लिए हम बात करेंगे, तो आप ध्यान रखेंगे यहाँ पर एक ट्रिक है
बासी MNP, जिसका कि आप देख सकते हैं BB, तो एक बांग्लादेश और एक भूटान हो गया, A4 अफगानिस्तान हो गया, S4 श्रीलंका हो गया, I4 इंडिया हो गया, M4 मालदीव हो गया, N4 नेपाल हो गया और P4 पाकिस्तान हो गया। तो बासी MNP से आप सार कंट्रीज़ को याद रख सकते हैं और अफगानिस्तान 2007 में हमने आपको बता दिया है। दोस्तों अब अगर इसके काम को लेकर के बात करें, एरिया ऑफ द कॉपरेशन की ग्रुप कहाँ कहाँ काम करता है, तो ये ह्यूमन रिसोर्स को डेवलप करने के लिए, टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए, एग्रीकल्चर के लिए, इन्वायरमेंट को मैनेज करने के लिए, डिज़ास्टर्स को मैनेज करने के लिए, इकोनॉमी ट्रेड और फाइनेंस को साथ में काम करने के लिए, सोशल अफेयर्स को सुलझाने के लिए, इंफॉर्मेशन एंड पॉवर्टी एलिविएशन, एनर्जी ट्रांसपोर्ट, साइंस टेक्नोलॉजी, एजुकेशन, सिक्योरिटी और कल्चर जैसी चीज़ों के लिए साथ में आकर के कॉपरेट करते हैं ये कंट्रीज़ एक दूसरे को। अब बात करते हैं दोस्तों सबसे बड़ा ग्रुप जो कि नाफ्ता है। दोस्तों नाफ्ता हमने बताया था आपको वर्ल्ड मैप पर कि यहाँ पर USA है और ये कनाडा है और ये है मैक्सिको, ये दोनों USA हैं। तो दोस्तों ये ग्रुप है इनका, अगर हम जानकारी की बात करें तो GDP के हिसाब से सबसे बड़ा ग्रुप नाफ्ता माना जाता है और 2008 में इन्होंने अपने सारे बैरियर्स को हटा दिया था एक दूसरे के में, ये इजीली ट्रेडिंग कर सकते हैं ये तीनों देश अब। और अब एक महत्वपूर्ण जानकारी ये है कि 2020 से नाफ्ता जो है, जो एग्रीमेंट ये है, यह ख़त्म हो चुका है और एक नया एग्रीमेंट उसकी जगह पर आ गया है, जैसे कि हम US मैक्सिको कनाडा एग्रीमेंट के नाम से जान रहे हैं। दोस्तों अगर हम पर्पस ऑफ द नाफ्ता की बात करें तो ग्रैंड सिग्नेटरीज मोस्ट फेवर्ड नेशन, ये तीनों देशों ने आपस में एक दूसरे को मोस्ट फेवर्ड नेशन का दर्जा दिया हुआ है, इन्होंने सभी अपने बैरियर्स को रिमूव करने कर दिए हैं, फेयर कॉम्पिटिशन को बढ़ावा देना है, इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी को बढ़ावा देना है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स जो होते हैं उनको प्रोटेक्ट भी करना है और इन्फोर्स भी करवाना है, ट्रेड डिस्प्यूट्स को रिजॉल्व करवाना है और जो जो डेवलपमेंट हो सकते हैं नाफ्ता में वो भी करना है, जैसा कि हमने बताया कि अब ये USMCA बन चुका है। दोस्तों तो दोस्तों अगर ये जानकारी अच्छी लगी है आपको तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा। थैंक यू एवरीवन।